सो गाइस ये है बोट स्टोन 350 का बॉक्स, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। 10 वाट का स्पीकर है, इसके सब बारे में आगे बात करूँगा। पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। ओके गाइस, यार पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये रहा स्पीकर, इसका कलर लग गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे। खैर ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें आई थिंक ये वायर है। ओके यस, वायर है, मैनुअल कार्ड है। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे मुझे मैनुअल मिल जाता है एंड कुछ गारंटी कार्ड है। उसके अलावा ये माइक्रो यूएसबी केबल है चार्जिंग के लिए, एंड यहाँ पे ऑक्स केबल मिल जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा सिर्फ स्पीकर है एंड पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। तो गाइस ये है स्टोन 350। दोनों तरफ हमें बूफर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई इसे यूज़ करने के लिए, और बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छी है। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एलईडी इंडिकेटर और ये बैटरी के लिए भी एलईडी इंडिकेटर दिख जाता है नीचे। कूल। तो गाइज मैं इसे यूज़ करता हूँ, अच्छे से टच करके बताता हूँ आगे कि क्या क्या है इसमें। हाय गाइज, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे टिकट सिक्स। गाइज बोट स्टोन 350, आई मीन काफ़ी कंफ्यूजिंग सा स्पीकर है। मैं बात करूंगा आगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल आपको सॉलिड फील होगा। सामने पूरा सिलेंड्रिकल शेप में नेट मेश है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंट्रोल्स वही है, प्लस माइनस जो यूजुअली स्पीकर में होता है वही कंट्रोल्स है। सामने आपको एलईडी इंडिकेटर दिख जाता है, अगर आपको बैटरी चेक करना है उसके लिए एलईडी इंडिकेटर है। उसके अलावा हमें यहाँ पे चार्जिंग जहाँ पे होता है वहीं पे माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी मैं सुना देता हूँ, एक बार आप खुद ही सुन लो और आप डिसाइड कर सकते हो कि माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। सो गाइस ये है माइक्रोफोन टेस्ट बोट स्टोन 350 का। आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप कॉल बोल लेते हो तो कि इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। उसके अलावा हमें यहाँ पे जैक मिल जाता है, देन चार्जिंग के लिए भी मिल जाता है केबल एंड चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रो यूएसबी एंड आपको मेमोरी कार्ड लगाने का भी स्लॉट मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी में ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.0 है, 10 मीटर की रेंज है, काफ़ी अच्छा है। 10 वॉट का स्पीकर के हिसाब से मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। प्राइस इसका 1499 लॉन्च हुआ है अभी, मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा डील है। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आप ये ले सकते हो, बट इसमें भी कुछ कुछ मुझे कमी लगी। मैं जब इसे पहली बार मैंने यूज़ किया ना, मुझे तभी इसमें समझ आ गया कि इसमें क्या कमी है, मैं आपको बताता हूँ। और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ही डेफिनेटली मुझे कमी लगी। इसमें ना आपको 2 बूफर मिलता है, बूफर देख के किसी को भी लगेगा कि बूफर है तो बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, लाउडनेस मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगी, ओके है। एंड बेस भी मैं कह सकता हूँ कि बूफर, इसमें अगर बूफर नहीं रहता ना और सिर्फ 10 वॉट का स्पीकर रहता तो मैं कह सकता था कि अच्छा, काफ़ी अच्छा बेस रहता इसका। बट क्योंकि इसमें बूफर दिया है तो यार एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही बढ़ जाती है, बूफर है बेस काफ़ी अच्छा होगा, तो बेस मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और मैं ना अभी बोट का बहुत सारा मैंने स्पीकर यूज़ किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। बोट स्टोन 180 यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, मुझे बोट का साउंड सिग्नेचर्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मीवी ने 5 वॉट का स्पीकर लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा साउंड सिग्नेचर है उसका। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ख़राब है, ट्रिबल्स काफ़ी अच्छे हैं, म्यूजिक सेपरेशन काफ़ी अच्छा है, वोकल्स भी क्लियर है अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो। लाउडनेस ओके इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। और जब आपको जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले गाने होते हैं छन छन वाला, वो भी आपको कानों में लगेगा नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये स्पीकर आपके लिए नहीं है। हालांकि इसमें दोनों तरफ बूफर दिया हुआ है, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा बेस इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो हाँ, बेस के लिए ये स्पीकर उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। बट उसके अलावा अगर आपको कैजुअल लिसनिंग चाहिए, 10 वॉट का स्पीकर 1499 में मिल रहा है, आई थिंक अच्छा डील हो सकता है, तो आप ये ले सकते हो। एंड हाँ जी, इसमें भी सारे जो भी स्पीकर आ रहे हैं उसके तरह TWS वाला फीचर है, इसके जैसे एक और है, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। उसके अलावा IPX7 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, शॉक प्रूफ है, अगर गिर जाता है कुछ नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड इसकी जो रस्सी है उसकी क्वालिटी क्या कहूँ मैं, ठीक ठाक है। बट ओवरऑल स्पीकर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। एंड हाँ, मैं अगर रेटिंग देना चाहूँ इस स्पीकर को,
तो मैं 7.5 दूंगा आउट ऑफ 10। बेस में भी 7.5 देना चाहूँगा। मैं 7.5 इसको रेटिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें लाइक स्पीकर्स है, होते हैं ना हाथी के खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, तो ये जो है ये दिखाने के लिए, लाइक अगर बूफर ऐसा दिया तो बेस कमाल का होना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है बेस उतना ज़्यादा नहीं है, ओके है। एंड बाकी म्यूजिक क्वालिटी लाइक साउंड क्वालिटी अच्छी है। मैं आपको एक बार साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ, आप खुद देख लो कैसा है साउंड क्वालिटी। हाँ थोड़ा सा हैवी है, एंड 2200 mAh की बैटरी मिल जाती है, 10 W का स्पीकर है। आई मीन ठीक है, ओके है, कंपनी क्लेम करती है 12-13 घंटे की बैटरी लाइफ देगा आपको, ये आराम से 8 घंटे 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे देगा। बट वो डिपेंड करता है कि आप साउंड कितना वॉल्यूम पे रखते हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। एंड मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा, लाइक मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप बेस लवर हो, सिर्फ आपको बेस ही चाहिए स्पीकर में, तो इसका बूफर देख के मत जाना इसके ऊपर, ये बस दिखाने के दांत है, खाने के नहीं है। बट हाँ अगर आपको लाइक एक ओवरऑल स्पीकर चाहिए 10 W का, थोड़े से कम दाम में अगर ऑफर में मिलता है आपको 1499 में, तो ये एक अच्छा डील हो सकता है। बट मैं वही कहूँगा कि बेस उतना ज़्यादा नहीं। हाँ बायलिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो उसे। सो गाइस इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो, सारा का रिप्लाई मैं करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।